बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिश लेकर आई हूँ और वो है चरगा। जी हाँ, चरगा बहुत ही टेस्टी होता है और दावतों में, और आप लोग जब भी घूमने फिरने जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप चरगा मंगाएं और खाएं, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने ये देखे, मैंने ये 1.5 किलो की मुर्गी ली है और इसको मैंने, जो मुर्गी वाला है ना, उसी से मैंने इसको कहा है कि वो इसे चरगे के तरीके से इस पर निशान वगैरह लगा दे। तो ये मुझे दुकान से ही वैसे बना बनाया उसने दे दिया है। ठीक है, तो आप भी जब चिकन लेने के लिए जाएं तो उनसे कहें कि वो इस पर कट लगा दें, तो उस पर कट लगा के आपको बेहतरीन तरीके से दे देंगे। सही, इसके लिए मैंने फिर लिया है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है दही, और ये दही बिल्कुल सूखा हुआ है, मतलब इसका पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, और नमक तो ज़ाहिर है आपकी अपनी टेस्ट के मुताबिक जाएगा, लेकिन नमक इसमें थोड़ा सा तेज़ रखते हैं। इसके अलावा मैंने मिर्चें ली हैं, ये 2 टीस्पून है भर भर के। ठीक है, और ये है चाट मसाला। चाट मसाले में तकरीबन 1.5 से 2 आप ले लें भर करके। सही है, और फिर इनको जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, और ये सारी चीज़ें आपके घर पे मौजूद होती हैं, आप बस सिर्फ आपको सोचना होता है कि आपने चरगा बनाना है और मुर्गी मंगाइए, और ये सारी चीज़ें तो घर पे होती ही हैं और आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जो कुछ भी टाइम लगता है वो मैरिनेट होने में लगता है। ठीक है, दावतों के लिए तो बेहतरीन है। अगर आपके घर में दावत है तो बिस्मिल्लाह आप इसको बनाइए। ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 2 मैं इसमें लींबू डालूंगी। ठीक है, लींबू का रस, लींबू का रस फिर आप ऊपर से भी, जब तैयार हो जाएगा आपकी आपका चरगा तो फिर आप जो है वो ऊपर से भी डालिएगा। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी, और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग के कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि जो है आपको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, और मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ कहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो कमेंट्स ज़रूर क्या करें, और ज़रूर बताया करें कि आप किस मुल्क से हैं, अपने मुल्क का फ्लैग डाल दिया करें उसमें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो पर मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये इसको चख लीजिए, अगर इसका नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक और ज़्यादा डाल दीजिए। मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया। सही, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हमने इसको फिर अपनी चिकन पे पूरा स्प्रेड करना है। ये देखिए, ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है, पानी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी सिवाय और लेमन जूस के। देखिए, वो जो चिकन वाले होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कट लगा देते हैं, तो आपने एक एक कट के अंदर जो है ना इसके मसाले को डालना है, भरना है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से आप कीजिएगा इसको, बिल्कुल जैसे कि मसाले के अंदर सारा मसाला इसमें लग जाना चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए मसाला, क्योंकि जब हम फिर इसको भाप देंगे तो फिर ये मसाले इसके अंदर चिपक जाएगा और फिर वही आपको टेस्ट देगा। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसमें ये लगा लिया है। देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके जो कट हैं उनके अंदर इसको स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके उलट देंगे और उलट के भी इसमें बाकी का जो मसाला है वो इसमें लगाएंगे। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो नई डालूंगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको जो है ना वो वीडियो मेरी फिर आपको फ़ौरन नहीं मिल सकेगी। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको लगाना है, सारा मसाला आपने लगा देना है, कोई छोड़ने की बात नहीं कि आप उसमें बाकी बचा लें, फिर वो ज़ाया हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छे तरीके से पूरे चिकन में स्प्रेड कर दें, क्योंकि ये 1.5 किलो की चिकन है तो ज़ाहिर है फिर इसको जो है वो मैरिनेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने इसको जो है अच्छी तरीके से मसाला लगा करके तो तकरीबन जो है वो 2-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल इसको आपने अलग रख देना है, और नहीं तो आपने रात में जो है वो मसाला लगा कर आपने इसको फ्रिज में रख दें तो वो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। ये देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इसको मसाले से बिल्कुल ओवरफ्लो कर दिया है। ठीक है, जो मसाला ज़ाया होना होता है वो हो जाता है, बाकी जो है वो इसके अंदर ही जज्ब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरे इसमें मसाला लगा दिया है। आप खुद देख रहे होंगे कि कहीं पे कोई जगह भी खाली नहीं छोड़ी है मैंने। अब ये मुर्गी की जो तो टांगे हैं इनको हमने पकड़ के तो इसमें जो है वो आपने धागे से या फिर मैंने ये रबर बैंड लिया है उससे मैं इसको बंद कर दूंगी ताकि ये जो है ना वो खुले नहीं। ठीक है, अब इसको मैरिनेट कर देंगे हम। ये देखिए मैंने ये पॉट लिया है, बड़ी सी पतीली ले लें जिसके अंदर आपको अपनी मुर्गी को स्टीम देना है। अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील का स्टीमर रैक मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास मौजूद था लेकिन ये देखिए ये इसमें साइज़ से बड़ा हो रहा है तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा स्टीम देने के लिए चिकन को। तो अगर इस तरह का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। पहले तो हम इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास। 1.5 गिलास पानी बहुत होगा। और ये देखें मैंने इसके नीचे ये ढक्कन रख दिया है, इस तरह ऐसा ऊंचा है ये, तो ये पानी के ऊपर से उठा रहेगा। ठीक है, तो हमारी चिकन में पानी नहीं लगेगा। तो आपने भी जो है ना कोई भी ऐसा कोई आपके पास ढक्कन मौजूद है या कुछ ऐसा चीज़ जो आप पानी से ऊपर रख सके आपके चिकन को, आपने वो डाल के तो फिर उसके ऊपर आपने चिकन इस तरह रख देनी है। देखिए कितने आराम से ये रखा गई है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। ये देखिए अब हम इसको ढक देंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और हमारी चिकन इसमें चली गई है। बस आधा घंटा आपने जो है ना इसको स्टीम देनी है। जब आप देखेंगे धुआं अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो गया है तो आपने जो है वो इसको मतलब स्टीम इसकी रोक देनी है। तकरीबन 30 मिनट्स बहुत होंगे। बाकी का बचा हुआ मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, और ये इसको ढक दिया है। देखिए हमारे इसमें चरगे में जो है ना ये अब देखिए ये स्टीम बनना शुरू हो गई है तेज़ी के साथ। तो आपने तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट्स आपने इसको अपने चिकन को इसमें रखना है। देख लें आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला इसके अंदर जो है वो इसके स्किन के ऊपर ही जो है वो बिल्कुल चिपक गया है और मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ है। ये देखें आप, और हमारी चिकन भी गल गई है। आप इसको छुरी लगा करके चेक कर लीजिए, वैसे भी चिकन तो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब हमने एक गहरा फ्राई पैन लेना है। ठीक है, और उसमें आपने बहुत ज़्यादा तेल ओवरफ्लो नहीं करना, नॉर्मल आपने रखना है तेल को इतना कि आपकी चिकन उसमें जो है ना वो चली जाए।
ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ फ्राई पैन मैंने ऑयल से भरा है, ठीक है। इसके अंदर मैं फिर अपनी चिकन डाल दूँगी, मसाले लगी हुई। ये देखिए बहुत आराम से, चूँकि तेल गर्म होगा इसलिए बहुत ही आराम से एहतियात करनी है आपको। ये आपने इसमें डाल दिया और इसे हम ऊपर से ढक देंगे ताकि छींटे वगैरह ना उड़ें। बस हो गया। अब आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट एक साइड पे पकाना है दरमियानी आंच पे, और फिर उसको चरघे को पलट देना है बहुत ही एहतियात के साथ। उसको आपने आंच थोड़ी कम कर लेनी है, ठीक है। फिर हम इसको पलट देंगे और पलट करके फिर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए मैं 2 चम्मच की मदद से इसको पलट रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत क्रिस्पी टाइप का जो है वो, इसमें कलर भी कितना अच्छा आया है और ये बहुत अच्छे से जो है ना हम मुर्गी जो है वो बन गई है, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको, अब इस नीचे की साइड पे हमने इसको पकाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। यकीनन आप ये बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार, और घर में इतनी आसानी से आप बनाइए भी, दावतों में रखिए और सब आपकी तारीफ़ें भी करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा चरघा बिल्कुल तैयार है और ये कितना खूबसूरत कलर आया है, आप खुद देखिए। वो चीज़ों को देखकर ही पता चल जाता है ना कि कितनी टेस्टी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और यकीनन खाने में भी ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रच बस गया है। और ऊपर से हमने इसमें नींबू डाल देना है, छिड़क देना है, और चाट मसाला छिड़क देना है बहुत अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा कि दुकान में वो पूरा स्प्रेड कर देते हैं चाट मसाले को, बहुत अच्छे से छिड़क रहे होते हैं उसके ऊपर और नींबू डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है वो चरघा बिल्कुल मुकम्मल है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये चरघा बिल्कुल तैयार है और ये मैंने इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया है, और इमली की चटनी की तरकीब मैं बहुत जल्दी आपको बनाना बताऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।